नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आपने ये कम ओम की रेजिस्टेंस तो बहुत देखी होगी, लेकिन दोस्तों इन रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करते हैं, आज का वीडियो इसी के बारे में है। और इससे भी कम ओम की रेजिस्टेंस आती है, उनको कैसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, इस मल्टीमीटर में कैसे टेस्ट करते हैं। मैंने मल्टीमीटर को 200 ओम की रेंज में कर रखा है और इसमें टेस्ट करते हैं इस मल्टीमीटर में 1 ओम की रेजिस्टेंस को, तो ये 1.2 के लगभग दिखा रही है, यानी इसका मान सही नहीं दिखा रही एकदम एक्यूरेसी के साथ में। और यहाँ पर 0.01 ओम की रेजिस्टेंस को लगाता हूँ तो ये सही नहीं दिखा रही है, 0.2 ओम दिखा रही है। और किसी भी जैसे वायर के टुकड़े का भी रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो इस मल्टीमीटर से नहीं दिखाएगा ऐसे। दोस्तों, मेरे पास ये रेजिस्टेंस मीटर है, इससे मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये वायर का टुकड़ा भी, तो ये कितनी एक्यूरेसी के साथ में ये दिखा रहा है। और अब 1 ओम की रेजिस्टेंस को लगाता हूँ, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस को कितने एक्यूरेसी के साथ में दिखा रहा है। 0.01 ओम की रेजिस्टेंस को लगाता हूँ तो ये भी सही दिखा रहा है। और अब मैं 0.2 ओम की रेजिस्टेंस को लगाता हूँ तो ये सही दिखा रहा है। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस मीटर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने मल्टीमीटर से ही बनाया है। दोस्तों, रेजिस्टेंस मीटर का जो महत्व होता है वो बहुत ही उपयोगी महत्व होता है इसका। इस रेजिस्टेंस मीटर से मोटर वाइंडिंग को भी टेस्ट कर सकते हैं, बाहर से बिगर खोले मोटर जली हुई है या खराब है। वायर टेस्ट करने में, केबल टेस्ट करने में इसी रेजिस्टेंस मीटर का उपयोग होता है। लेकिन दोस्तों, रेजिस्टेंस मीटर होता है 2 ओम और 2 ओम से कम का भी आता है, लेकिन जो ज्यादातर रेंज काम में आती है रेजिस्टेंस मीटर की, वो 2 ओम और 20 ओम की रेंज ही काम में आती है, और इससे भी कम बना सकते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस मीटर को कैसे बनाते हैं, आज का वीडियो इसी के बारे में है। दोस्तों, अब रेजिस्टेंस मीटर बनाने के लिए यहाँ पर 2 टाइप के मल्टीमीटर हैं, एक ये छोटा मल्टीमीटर है और एक ये बड़ा मल्टीमीटर है। दोनों मल्टीमीटर में जो आईसी लगती है वो सेम नंबर की ही आईसी आती है, ये डिस्प्ले आईसी। लेकिन यहाँ पर इस मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस मीटर बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो इस मल्टीमीटर में आएंगे नहीं और लगाने में असुविधा होगी, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। इसकी जगह पर ये DT9205 मॉडल का मल्टीमीटर आता है, इसको ही बनाएंगे। तो इसकी जगह पर खराब मल्टीमीटर भी ले सकते हो जिसकी ये डिस्प्ले और डिस्प्ले आईसी दोनों सही हो। तो मेरे पास यहाँ पर एक मल्टीमीटर है, ये DT9205 का ही मल्टीमीटर है, इसका ये स्विच बाहर निकाल रखा है मैंने, और इसकी डिस्प्ले आईसी और ये डिस्प्ले दोनों सही है, और इस मल्टीमीटर को ही रेजिस्टेंस मीटर बनाएंगे। मैं इसको चालू करके भी दिखा देता हूँ, ये डिस्प्ले आ रही है इसकी। इस मीटर को मल्टीमीटर बनाने के लिए यहाँ पर जो ये डिस्प्ले आईसी है, अगर इसके बारे में पता हो सही से, इसको बनाने में बहुत ही सुविधा होगी, तो यहाँ पर समझाने में बहुत ही दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको सर्किट डायग्राम की मदद से ही आपको बताता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर इस मल्टीमीटर में डिस्प्ले ड्राइवर आईसी लगी हुई है, इसका मैंने यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम बना रखा है, इसकी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे देता हूँ। इसके पिन नंबर 9 से लेकर के 32 नंबर तक की जो ये पिन हैं सभी, ये सभी पिन ये डिस्प्ले की पिन है सभी। और यहाँ पर ये 9 वोल्ट की बैटरी है, और 9 वोल्ट की बैटरी का जो नेगेटिव है वो पिन नंबर 34 पर जुड़ेगा, बैटरी का पॉजिटिव है इसके बीच में एक स्विच लगा देंगे, और स्विच के बाद में ये पिन नंबर 8 पर जुड़ेगा ये बैटरी का प्लस। इसी बैटरी के प्लस के आगे ये 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा करके, ये 5K का प्रीसेट लगा करके, यहाँ पर पिन नंबर 44 पर 100 मिली वोल्टेज का रेफरेंस वोल्टेज सेट करेंगे, और इस रेफरेंस वोल्टेज को इस 5K के प्रीसेट से कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। इसको कोई भी खराब मल्टीमीटर हो, अगर उसकी डिस्प्ले आईसी को टेस्ट करना है ये सही है या खराब है, तो इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। इसकी पिन नंबर 38, 40 और 43, इन सभी पिनों को आपस में जोड़ देंगे और इसको कॉमन के साथ में जोड़ देंगे, और कॉमन के साथ में 39 नंबर पिन पर एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इसको भी कॉमन के साथ में जोड़ देंगे। जब डिस्प्ले पर 00 की काउंटिंग आती है तो मीटर सही है। इस आईसी में ये पता लगाना मुश्किल है, इसमें पिन नंबर 1 कौन सी है और 44 कौन सी है। यहाँ पर
35 नंबर पिन पर 470 नैनोफेरेड का कैपेसिटर मिलेगा, पिन नंबर 36 पर 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस और 37 नंबर पर 220 नैनोफेरेड का कैपेसिटर। इन्हीं कंपोनेंट से ये पता लगा सकते हैं ये 35 नंबर है और ये 37 नंबर पिन है, और इसी के आगे देखेंगे तो 38 नंबर आपको मिल जाएगी। और पिन नंबर 4 पर 100 पिकोफेरेड का कैपेसिटर मिलेगा, पिन नंबर 6 पर 100 के की रेजिस्टेंस और पिन नंबर 7 ये 100 के की रेजिस्टेंस और ये 100 पिकोफेरेड के कैपेसिटर के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए ऐसे। और इस सर्किट डायग्राम की तरह ही इस मल्टीमीटर में इस इनके सभी के मैं जोड़ देता हूँ और फिर इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर में ये जो फालतू की पीसीबी है मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये रेफरेंस वोल्टेज, जो वोल्टेज सेट करेंगे वो यहाँ पर रेफरेंस प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 मिली वोल्टेज सेट करेंगे और ये इसका कॉमन है और यहाँ पर IN प्लस लिखा हुआ है, ये वोल्टेज इनपुट है यहाँ पर इसका। अब यहाँ पर जो ये PCB थी पहले, इसको मैंने पहले से ही काट रखा था, बाकी के जो फालतू कंपोनेंट थे उनको मैंने सबको हटा दिया है। इस सर्किट डायग्राम की तरह ही ये PCB है। यहाँ पर जो ये ग्रीन वायर जोड़ रखा है ये IN प्लस है, इस पर मैंने ये ग्रीन वायर जोड़ रखा है और इसका कॉमन है वो यहाँ पर है और IN प्लस यहाँ पर है, और इसका वी रेफरेंस वोल्टेज है वो पिन नंबर 44 पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये इस जगह पर ये वाइट वायर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और जो प्रीसेट है ये 5K का वो यहाँ पर लगा रखा है। वी रेफरेंस वोल्टेज टेस्ट करते हैं इसके। मल्टीमीटर को मैंने 2000 मिली वोल्ट की रेंज पे सेट कर दिया है। पहले इसके मिली वोल्टेज टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर 100 मिली वोल्टेज आ रहे हैं यानी 0.1 वोल्टेज, और इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसे। अब ये यहाँ पर बढ़ गए हैं, 116 मिली वोल्टेज हो गए। IN प्लस को जैसे ही कॉमन के साथ में टच करेंगे तो मीटर में यहाँ पर डिस्प्ले पर 00 की काउंटिंग आनी चाहिए। मैं इसको टच करता हूँ ऐसे, तो ये मीटर में 00 की काउंटिंग आ गई है। ये इसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस मल्टीमीटर को अगर मल्टी रेंज का रेजिस्टेंस मीटर बनाना है तो इस टाइप का एक रोटरी स्विच आता है 2 पोल का और 8 पोजीशन का, इसको लगा करके इसको बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा तो ये समझने में बहुत ही कठिनाई आएगी। इसके लिए ये 2-way 2-pole का स्विच आता है, ये 6 पिन का आता है, बीच में ऑफ और बाकी ऑन ऑफ आता है। इस स्विच को लगा करके ही इसको 2 रेंज के लिए मल्टीमीटर बनाएंगे। मैक्सिमम जो इसका एक रेंज होगी मैक्सिमम 1.9 ओम की, और दूसरी रेंज होगी वो 19 ओम की रेंज होगी। ज़्यादातर रेंज यही काम में आती है रेजिस्टेंस मीटर में। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर इस मीटर का वोल्टेज इनपुट है वो इस जगह पर है IN प्लस पर, यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 199 मिली वोल्टेज है मैक्सिमम इसका, और इससे ऊपर जाते हैं तो ये किसी प्रकार से कोई डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। जब इसमें 199 मिली वोल्टेज देंगे तो ये मैक्सिमम जो स्केल दिखाएगा ये मीटर, ये 1999 की काउंटिंग दिखाएगा, और यहाँ पर 200 मिली वोल्टेज या 200 मिली वोल्ट से ऊपर आता है तो किसी प्रकार से कोई डिस्प्ले नहीं दिखाएगा, केवल यहाँ पर 1 लिखा हुआ ही आएगा। और मैं इसको टेस्ट भी करा देता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डिवाइडर लगाकर मैंने यहाँ पर मिली वोल्टेज सेट कर रखा है, और इस प्रीसेट से मिली वोल्टेज सेट करेंगे। इस बैटरी का नेगेटिव है, इसके कॉमन से जोड़ देंगे यहाँ पर, और एक मल्टीमीटर भी ले लेता हूँ मैं। मल्टीमीटर को मिली वोल्टेज की यानी 2000 मिली वोल्टेज की रेंज पे कर दिया है, और मल्टीमीटर की ब्लैक लीड को इस कॉमन के साथ में जोड़ देता हूँ यहाँ पर, और इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ, और ये मीटर का IN प्लस है, इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। यहाँ पर 80 मिली वोल्टेज आ रहे हैं, और यहाँ पर भी ये 799 की काउंटिंग आ रही है। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो यहाँ पर ये भी कम होगा और इसके साथ में ये भी कम होगा। कम करता हूँ
तो कम हो रहा है। यहाँ पर 100 मिली वोल्टेज का आएगा जब यहाँ पर 1000 की काउंटिंग आ जाएगी, और इसको 199 मिली वोल्ट से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ ही आएगा। ये 1 आ गया, ये इसकी हाई रेंज हो गई। अब ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं दिखाएगा, और इसको बिल्कुल 0 पे करेंगे तो 0 भी हो जाएगा इसे। अब इस मीटर में मैंने यहाँ पर ये 2 वायर ऐड और किए हैं, ये वाइट वायर लगाए हैं, जो ये वाइट वायर दोनों वायर यहाँ पर पॉइंट होता है, एक पॉइंट यहाँ पर होगा इसमें और एक पॉइंट यहाँ पर होगा। ये पॉइंट 2 का होगा और ये पॉइंट 20 का होगा। इस पॉइंट को मैंने यहाँ से चालू नहीं किया है, केवल ये 2 पॉइंट ही चालू किए हैं। और अब इसके डिस्प्ले के करीब करीब सभी वायरिंग हो गई है। अब इसमें आगे चलते हैं, इसको रेजिस्टेंस मीटर बनाने के लिए यहाँ पर एक करंट की आवश्यकता होगी। वो करंट होना चाहिए फिक्स करंट, चाहे बैटरी का वोल्टेज थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा हो, लेकिन करंट कांस्टेंट ही रहना चाहिए। रेगुलेटर करंट की जरूरत पड़ेगी, और रेगुलेटर करंट लेने के लिए यहाँ पर LM317IC का यूज करेंगे। यहाँ पर जो R1 की रेजिस्टेंस है, इसके मान को चेंज करके यहाँ पर जो करंट होता है उसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट चाहिए फिक्स करंट, इसका जो रेफरेंस वोल्टेज होता है LM317IC का वो 1.25 वोल्टेज होता है, और 1 एम्पियर का कांस्टेंट करंट लेने के लिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगेगी वो भी 1.25 ओम्स की रेजिस्टेंस लगेगी जब यहाँ पर 1 एम्पियर का कांस्टेंट करंट आएगा। अब अपने को 2 ओम और 20 ओम का इसको रेजिस्टेंस मीटर बनाना है, तो 2 ओम्स के लिए 100 मिली एम्पियर की आवश्यकता होगी। तो 100 मिली एम्पियर के लिए यहाँ पर R1 का मान 12.5 ओम होगा, और 20 ओम के लिए 0.01 एम्पियर की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए 125 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। और LM317IC को मैंने कुछ इस तरह से लगा रखा है, इसको हीटसिंक पे टाइट कर रखा है, और इसका ये विन हो गया पिन नंबर 3, ये पिन नंबर 2 हो गई, और एक 12.5 ओम की रेजिस्टेंस लग रही है यहाँ पर, और ये एक 100 ओम की रेजिस्टेंस है। ये टोटल इसका देखेंगे यहाँ पर, तो दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, और ये इसका आउटपुट हो गया। और यहाँ पर जो प्रीसेट लगा रखा है, इसको 125 ओम की रेजिस्टेंस बना रखी है यहाँ पर मैंने। इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं एक बैटरी लेता हूँ, ये बैटरी 3.7 वोल्ट की है और 2200 मिली एम्पियर की बैटरी है। बैटरी का पॉजिटिव को इसके विन के साथ में जोड़ देंगे ऐसे। इसका जो करंट टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये 2 एम्पियर का मैक्सिमम फुल स्केल है इस मल्टीमीटर का, इसमें एक्यूरेसी के साथ में ये करंट दिखाएगा। इसको पॉजिटिव के साथ में यहाँ पर आउटपुट के साथ में जोड़ देता हूँ, और इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देता हूँ। और जैसे ही मैं इस पिन नंबर 2 को 12 ओम की रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ता हूँ, तो यहाँ पर 100 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है। 125 ओम्स की रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ता हूँ, 10 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, 0.01 एम्पियर का करंट है। तो अब सर्किट में देखेंगे, मैंने कुछ चेंजिंग और कर दिया है सर्किट में। अब मैं यहाँ पर मैंने एक बैटरी और ऐड की है इस सर्किट में। ये बैटरी 3.7 वोल्ट की और 2200 मिली एम्पियर की बैटरी है। कोई भी रेजिस्टेंस मीटर होता है, उसमें रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए एक करंट की आवश्यकता होती है। वो करंट 1 एम्पियर भी हो सकता है, 0.1 एम्पियर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इसमें जो करंट लेंगे काम में, इसमें जो मैक्सिमम करंट लेंगे वो 0.1 एम्पियर का करंट इसमें लेंगे। तो 0.1 एम्पियर का करंट ये बैटरी भी दे देती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं देगी और मीटर बंद हो जाएगा। इस बैटरी को केवल मीटर को ऑन रखने के लिए ही लगाएंगे, इस बैटरी से करंट लेंगे जो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने ये डिस्प्ले बना रखी है, ये डिस्प्ले में DP1 और DP2 है, वो ये पॉइंट है दोनों, ये 2 का पॉइंट है और ये 20 का पॉइंट है। ये दोनों DP1 और DP2 यहाँ पर लग जाएंगे, जो ये स्विच है इसके दोनों साइडों में, ये DP1 और DP2 इस जगह पर लग जाएंगे। और यहाँ पर एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये कॉमन के साथ में जुड़ जाएगी यहाँ पर, ये कॉमन के साथ में जुड़ जाएगी,
और LM317 IC मैंने यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर 125 ओम की रेजिस्टेंस है जो इस स्विच में यहाँ पर लगेगी और 12 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगी और LM317 की पिन नंबर 2 इस जगह पर लग जाएगी। और यहाँ पर ये दो क्लिप है वो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए ये क्लिप बना रखी है मैंने। ये दो टाइप की क्लिप है ऐसे, ये दो क्लिप बना रखी है रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए। इन क्लिप में जो वायरिंग होती है वो वायरिंग इस प्रकार से ही करेंगे जैसे इसमें हो रखी है। इन दोनों वायरों को लगाएंगे, वो एक वायर यहाँ पर लगाएंगे और दूसरे वायर को यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, जब ही सही दिखाएगी। मैं इस सर्किट डायग्राम की तरह ही सभी को मैं इस मीटर में लगा देता हूँ और फिर इसको टेस्ट करते हैं। आपको ये सर्किट डायग्राम इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस मल्टीमीटर के ऊपर मैंने एक ये बना रखी है, इसको लगा देंगे ऐसे तो ये थोड़ा दिखने में सही दिखेगा। इसको लगा लेते हैं। दोस्तों अब ये रेजिस्टेंस मीटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। ऑन ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्विच लगाया है, इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एक बैटरी को मैंने डायरेक्ट ही लगाया है, चाहे तो उसमें भी स्विच लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस मीटर को मैंने 2 ओम की रेंज पे कर रखा है और इसको दोनों लीड को ऐसे आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर 00 की काउंटिंग आनी चाहिए। इसको अच्छी तरह दबाएंगे तो 00 आ जाएगा। अब इसमें 1 ओम की रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं तो ये 1 ओम दिखा रहा है। इस स्विच को अच्छी तरह दबाएंगे तो ये सही दिखा देगा ऐसे। और अब मैं ये 220 मिली ओम की रेजिस्टेंस आती है इसको टेस्ट करते हैं, यानी इसका ओम्स देखेंगे तो ये 0.220 ओम हो गई। ये भी सही दिखा रही है। थोड़ी बहुत रेंज है वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ से सेट करते हैं इसको। अब मैं 0.01 ओम की रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हूँ, अच्छी तरह दबाएंगे, ये 0.01 ओम दिखा रही है। अब 2.2 ओम की रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं तो ये 2 ओम पे नहीं दिखाएगी क्योंकि ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस मीटर को 20 ओम की रेंज पे करेंगे तो ये सही दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर 2 ओम ही दिखा रही है। और 20 ओम की रेंज को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्रीसेट लगा रखा है, इससे सेट करके ऐसे देख सकते हैं ये 2.2 ओम के लगभग सही दिखा रही है। और इसी रेंज पर मैं 1 ओम की रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हूँ अब, तो ये सही दिखा रही है। अब 0.2 ओम की रेजिस्टेंस को लगाता हूँ इसी रेंज पर तो ये भी सही दिखा रही है। 20 ओम की रेंज को सेट करने के लिए इस प्रीसेट से सेट करेंगे, 2 ओम की रेंज को सेट करने के लिए इस प्रीसेट से सेट करेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कैसे मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मीटर बनाते हैं। दोस्तों वैसे तो इस बैटरी से भी इस मल्टीमीटर को बना सकते हैं,
लेकिन सर्किट काफ़ी जटिल हो जाएगा। और समझने में जो सबसे अच्छा और इजी तरीका बताया है मैंने इस सर्किट डायग्राम की मदद से आपको बताया। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।